न धरना, न कोई आंदोलन, न कोई प्रदर्शन और न ही पुतला फूंकने का कोई आयोजन। एक अनोखे तरीके से अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही का सबक कोई इस तरह देगा, शायद ये किसी ने सोचा नहीं होगा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति बैंड बाजा और बारात के साथ रथ पर सवार होकर जा रहा है। इस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम दुलीचंद बताया जा रहा है और इनकी आयु 102 वर्ष है। यह बुजुर्ग व्यक्ति बैंड बाजा बारात लेकर अपनी शादी रचाने नहीं जा रहा, बल्कि कुछ काम चोर अधिकारियों को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए उन्हें यह बताने जा रहा है कि यह बुजुर्ग व्यक्ति दुलीचंद अभी जिंदा है। दरअसल पूरा मामला हरियाणा के रोहतक का है, जहां हरियाणा सरकार के कर्मचारियों ने 102 साल के बुजुर्ग दुलीचंद की पेंशन बंद कर दी। यही नहीं, बुजुर्ग को मृत भी बता दिया गया। गांधरा गांव निवासी दुलीचंद को कागजों में मृत घोषित करके उनकी पेंशन इस साल मार्च में बंद कर दी गई थी। इसके बाद बुजुर्ग पिछले 6 महीने से पेंशन के लिए सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। बुजुर्ग व्यक्ति ने खुद को जिंदा साबित करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। बुजुर्ग व्यक्ति दुलीचंद बाकायदा रथ में सवार हुए और बैंड बाजा और बारात के साथ सरकारी अधिकारियों के पास जा पहुंचे। इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि जो लोग बुजुर्ग के साथ बाराती बनकर निकले थे, उनके हाथों में तख्तियां भी थीं, जिनमें लिखा था, थारा फूफा अभी जिंदा है, मैं अभी जिंदा हूँ। सोशल मीडिया पर रोहतक का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बुजुर्ग ने रोहतक शहर में मानसरोवर पार्क से नहर विश्राम गृह तक अपनी बारात निकाली और राज्य सरकार से उनकी पेंशन फिर से शुरू किए जाने की मांग की। अधिकारों की अनोखी पहल के जरिए सबक सिखाए जाने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।